काव्या नायर जो मेरी एक शोधार्थी है केरल में, उसने कहा सर अब आप इस पर भी अब लिखिए जो आपका अधूरा है। तो मैंने लिखना शुरू किया है और मैं भी मानता था कि ये प्रवृत्ति नहीं है, ये विकार है। पर वास्तव में जब मैंने इसमें गहराई से शोध किया, जाना, समझा, तो ये प्रवृत्ति के अंतर्गत आता है। पर इस प्रवृत्ति को जो दूसरे सामान्य लोग हैं वो विकार की तरह ग्रहण ना करें, और जो हमारी सनातन संस्कृति है वो कहीं से भी इसमें दखलंदाजी ना हो, तो ये मैंने चीज़ अपने उपन्यास में भी रखी है। देखिए मैं बस एक मिनट में अपनी बात कहता हूँ। हम जब स्नान करते हैं अपने घर में, अपने बाथरूम में, तो हम स्वतंत्र हैं कि हम कैसे भी स्नान करें, कपड़े पहने रहें या उतार के नहाएं। पर जब हम नदी, नाला या सार्वजनिक स्थान पर स्नान करते हैं तो हम कच्छा पहने रहते हैं या कपड़े पहन के ही स्नान करते हैं। यही मेरा संदेश है उसमें कि यदि आप प्रेम कर रहे हैं तो उस प्रेम को अपने तक सीमित रखें, ना कि उसको इतना सार्वजनिक कर दें कि वो विकार का रूप धारण करें। वीणा जी, अब आपके पास आते हुए, आज के समय में प्रेम, तो बहुत सारे युवा यहाँ पर होंगे, वो कहेंगे कि हमारा ब्रेकअप हो गया, लड़कियाँ दिल तोड़ देती हैं, कितना बदल गया है पहले। हम जैसे हमने अभी कबीर का दोहा पढ़ा या पहले की जो पुस्तकें हैं उसमें जो प्रेम है, उसमें जो गहराई है, अब तो उस समय बल्कि इतना मिलना जुलना भी नहीं होता था। अब तो व्हाट्सएप, आपके पास संचार के भी बहुत सारे माध्यम हैं, फिर इसमें कमियां क्यों है? मैं आपसे, आपने जो आपकी जो पुस्तक है बेगम हजरत महल, उसमें तो आपने वाजिदुर शाह और मोहम्मदी के बीच में जो प्रेम है उसको भी, जबकि उनको तो रंगरसिया या रंगीला व्यक्ति इस तरह से कहा जाता है। सबसे पहले तो मैं कहूंगी कि युवाओं के बीच भी प्रेम तो है, लेकिन वो पता नहीं चलता है हमको, वो भी बहुत गहराई से प्यार करते हैं, लेकिन इतना बिजी शेड्यूल हो गया है काम करने का, भागम भागी इतना है कि वो अपने प्रेम को उस तरह से प्रदर्शित नहीं कर पाते हैं जैसे पहले के साहित्य में होता था कि कोई प्रेम में है तो वो बाग में जा रहा है और कई तरह की बातें हो रही हैं, फूलों की बातें हो रही हैं, तो चांदनी की बात हो रही है, मतलब प्रकृति से रिलेटेड करते थे अपने को। लेकिन साथ में टूटूंगा क्योंकि प्रेम तो है, लेकिन ये जो प्रेम की आप बात कर रहे हैं ये कुछ घंटों का या कुछ दिनों का, मतलब कई तरह के होटल्स, कई तरह के एप्स हैं जो बस यही काम करते हैं। प्रेम से लोगों का मुझे लगता है कि मोह भंग हो गया, अगर नहीं होगा तो कुछ दिन रिलेशनशिप में रहते हैं उसके बाद वो समाप्त। नहीं नहीं, आप जिसकी बात कह रहे हैं वो आकर्षण है, आकर्षण तो स्वाभाविक है, आकर्षण तो 10 लोगों के साथ हो सकता है, लेकिन प्रेम 10 लोगों के साथ नहीं हो सकता है। प्रेम होगा तो किसी एक के साथ होगा, या होगा बहुत तो 2 के साथ हो सकता है, मानते हैं 1 या 2 के साथ हो सकता है, लेकिन आकर्षण तो 100 के साथ भी हो सकता है। तो वो जिसकी बात कह रहे हैं कि आप ऐप पे जा रहे हैं, कोई अच्छी मिली, कोई अच्छा दिखा, उसके साथ आप बात कर रहे हैं, उसके साथ घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, वो आकर्षण है, वो प्रेम नहीं है। तो प्रेम जिन, मेरे कहने का मतलब है कि प्रेम जिनके पास है वो प्रेम, वो जो नेचर से जिसको कनेक्ट करते थे पहले के साहित्य में, आज वो नेचर से कनेक्ट करने का टाइम नहीं रह गया है। तो आज व्हाट्सएप पे एक दूसरे से बहुत ज़्यादा कनेक्ट होते हैं, कहीं मिलने आ जाओ ये भी कहने से ज़्यादा है कि चलो वीडियो कॉल पे बातें कर लेते हैं, मुलाकातें वहाँ भी हो जा रही हैं। तो एक जो पहले बंदिश थी और प्रेम में जो कशिश थी, वो कशिश इंटरनेट के आ जाने से और जो संसाधन हुए हैं उससे ख़त्म हो गई है। वो उस कशिश की बात अगर आप कहें, प्रेम में जो कशिश होती है वो ख़त्म हो गई है, लेकिन प्रेम तो है। प्रेम है जी। रितेश जी, आप थोड़े यंग हैं, मतलब आप